होली है, होली है भाई, होली है, होली है, होली है भाई, 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 होली है। यहाँ तो कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए? होली है। कुछ तो नहीं बचा पा रहा, तुझे कहां से बचाओ? होली मुबारक हो कपिल। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे अपने लोग हैं। आज होली है तो हम सब पूरा परिवार मिलकर एक साथ होली खेलेंगे। आप भी खेलिए। होली? होली तो मेरी राशि को भी बहुत पसंद थी। होली खेलेंगे। होली है, होली है, होली है। काकी नानी, मम्मी नहीं आई है। कैसे नहीं आती? वो देखो, हैप्पी होली काकी, हैप्पी होली। हैप्पी होली चिटकी। होली काकी, तुम्हें होली की शुभकामनाएं। आज होली का शुभ पर्व है, इसलिए आपस में कोई गिले शिकवे नहीं रखेंगे। और इससे भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मेरी गोपी वो मेरे अहम बेटे से मिलने वाली है, वो भी इतने वर्षों बाद। इसलिए आज मैं अति प्रसन्न हूँ। एक आंधी हमारे तरफ बढ़ रही थी है, लेकिन मैंने मैंने उसका रुख ही मोड़ दिया है। अब वो हम तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे हम तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी, कभी नहीं। Never. मैं आपके पास पहुंच रही हूं अहम जी, बस अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। हमारी जिंदगी की ये सबसे यादगार होली होगी। मैं आ रही से। क्या देख रहे हैं आप? मैं ठीक लग रही हूं ना? ओहो कान्हा जी, कान्हा जी आप जानते हैं ना, अगर मुझे तैयार होने में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो अहम जी यही कहेंगे कि इतने साल के बाद मिलने आई हूँ और ठीक से तैयार भी नहीं हूँ। 10 साल, पूरे 10 साल के बाद मैं अपने अहम जी से मिलने जा रही हूँ। सच कहूं तो
थोड़ा सा डर भी लग रहा है। बार बार मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि जब एम जी मुझे देखेंगे तो वो खुश होंगे या गुस्सा करेंगे, मुझे गले लगा लेंगे या रोट के मुंह फेर लेंगे। से मुझे लगता है पहले तो वो थोड़ा रूठेंगे और फिर मुझे मनाना पड़ेगा। पहले की बात और थी, पहले तो मैं 2 मिनट में मना लेती थी। पता नहीं अब मैं मना पाऊंगी भी या नहीं, आदत छूट गई है ना। 10 वर्षों का ठहरा हुआ पानी अब तो पत्थर गिरने पर ही पता चलेगा कि लहरें उठती भी हैं या नहीं। खैर, आप मेरे साथ रहेंगे ना? आपको नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा ही सज धज के आ गई हूँ? तो अच्छा है ना भाभी, भीड़ में भाई को आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। देवर जी, आपके भाई को मुझे पहचानने के लिए मुझे अलग दिखने की जरूरत नहीं है। मुझे बिना देखे ही वो ये समझ जाएंगे कि मैं उनके आस पास हूँ। क्या बात है भाभी, इतना कॉन्फिडेंस। तो चलिए आज आपके प्यार का इम्तिहान हो ही जाए। चलिए होटल चलते हैं और वहां चलकर आप चेंज कर लीजिए। क्यों? अभी तो आपने कहा कि भाई को आपको पहचानने के लिए बस आपकी आहट ही काफी है, तो फिर इतना सजने धजने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं देवर जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं ना, आप भी ना देवर जी। बुरा ना मानो, बोलिए। देवर जी, यहाँ तो इतनी भीड़ है, अहम जी को हम कहाँ ढूंढेंगे? आप भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देवर जी, एक काम कीजिए, आप उस तरफ जाकर देखिए और मैं उधर गार्डन की तरफ देखती हूँ। ठीक है। पागल हो चुकी है, मुझे जी का वहम होने लगा है। मैं ये महसूस कर सकती हूँ आप वहम जी से ज्यादा दूर नहीं है। इंतजार मत करवाइए मुझे। दी, प्लीज लेट मी गो। दी, 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 क्या करें? दी, दी, नहीं। आज तू ना बच नहीं सकती मेरे हाथों से। दी, प्लीज लेट मी गो। दी, हैप्पी होली। छोड़ो। दी,
ये पकड़ो। दी नहीं दी 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 नहीं। वो ही कर रही हो जो सब कर रहे हैं। You can't leave that today, because बुरा ना मानो नहीं है। क्या किया तुमने दी? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मीरा दी, रुको मीरा दी रुको। मैंने अभी अभी किसी लड़की को मीरा दीदी कहते हुए सुना है। कहीं कहीं वो मेरी विद्या तो नहीं जो जो मीरा को बता रही थी? इसका मतलब मेरी दोनों विद्या यही है मेरे आसपास। मीरा विद्या क्या बात है देवर जी? मैंने बस अभी भी किसी लड़की को मीरा दीदी कहते हुए सुना। मीरा दीदी, इसका मतलब है? हाँ देवर जी, आपको काका कहने वाली आपकी भतीजिया यही कहीं हमारे आसपास ही है। दी, दी, अब कहाँ जाओगी? हैप्पी होली। ओह गॉड। ठंडाई नहीं है, ज्यादा मत पियो प्लीज। वाह भैया, एकदम मस्त। एकदम ठीक। नहीं, ना कुछ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।